नेक्स्ट तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कैसे कराना है SN2 को, तो हेडिंग डाल लीजिए SN2। तो अगला रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारे पास SN2, जिसको आप बोल सकते हो न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और बाई मॉलिक्यूल तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है यहां पर पक्का, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हम सोचेंगे, क्या इसके खास पॉइंट होते हैं वो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा हमेशा की तरह बनेगा और वो रहेगा जनरल रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस। आपको जनरल रिएक्शन कैसे देखने को मिलेगी, आपके पास आर न्यूक्लियो, यहां पर लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप को एल भी लिख सकते हो आप सिर्फ, और आपने न्यूक्लियोफाइल लिया, वो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो चुका है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका है। तो जो भी इस प्रोसेस में हुआ है वो तो आपको SN1 में भी एज इट इज दिख रहा था, तो यहां और वहां में अंतर क्या है उनको हमें एक एक करके समझना है। तो ये तो रहा फर्स्ट, सेकेंड जो आपके दिमाग में आएगा पॉइंट वाइज दिखेगा आर, आर यहां पर आपके पास लेना चाहिए, जैसे मैंने ले लिया CH3 और यहां कोई हैलोजन ले लिया मैंने एक्स, समझ में आ रहा है। तो यहां पर इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा हमें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रोजन 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 और ये लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप को आपने लिखा। अब आ रही है बात न्यूक्लियोफाइल की, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा इस जगह CH लिविंग ग्रुप, और यहां आपके पास क्या आ रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आपके एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहा है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। वैसे भी कार्बन आपको 4 वैलेंसी नहीं दिखती है, तो क्या ये इंटरमीडिएट कहलाएगा या ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा, ये कोई स्टेबल नहीं है बस ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। तो आप इसको ट्रांजिशन स्टेट लिखिए और फटाफट ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH और न्यूक्लियोफाइल इस तरफ आ गया। तो इसमें कुछ खास पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, पहला जो आपके पास आ रहा है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया है, यानी कि इन्वर्जन हुआ या रिटेंशन या दोनों, बिल्कुल सही कहा, ओनली इन्वर्जन टेक प्लेस, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट मतलब फोर्थ नंबर का आपको क्या लग रहा है इन्वर्जन हुआ है, कितने स्टेप में हुआ है, सिंगल स्टेप अबव रिएक्शंस लिखते जाएं, इज सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप को क्या बोलते हो आप, एलिमेंट्री एलिमेंट्री सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस। अच्छा नेक्स्ट आपको लग रहा है एलिमेंट्री एक ही स्टेप में आ रही है, मुझे भी यही लग रहा है। अब ये बताइए
कि यहां सिंगल स्टेप है तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, रेट, यानी हमारे पास फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप रहेगी, एक ही स्टेप है, तो यहां रेट जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सब्सटेंस पे भी डिपेंड करेगी, और न्यूक्लियोफाइल जिसको आप रिएजेंट बोलते हो दोनों पर डिपेंड करेगी। तो फाइनली आप यहां पर क्या बोल सकते हो, ये जब भी प्रोपोर्शनल हटाओगे आप रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, के सब्सटेंस और रिएजेंट आपके पास क्या है यहां पर, न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो सिक्स नंबर का हो जाएगा ये, कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, 1 + 1 2, तो अबाउ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, बाय मॉलिक्यूल रिएक्शंस, बाय मॉलिक्यूल रिएक्शंस। तो यहां बाय मॉलिक्यूल रिएक्शन देखने को आपको मिलेगा, या सुनो, तो ये आपके लिए बहुत इजी इजी पॉइंट्स हो गए SN2 के लिए। तो कुछ और पॉइंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, यस, सेवेंथ, अगर आपने यहां पर ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डबल कर दिया, कितना कर दिया, डबल, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ। साउंड कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियर सब्सटेंस एंड रिएजेंट बोथ बिकम हाफ, बोथ बिकम हाफ ऑफ इनिशियल, हाफ ऑफ इनिशियल। तो ये स्टेप फर्स्ट हो गई, स्टेप सेकंड हो गई, स्टेप थर्ड, अगर दोनों की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी पक्का, तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/4 या 4/1, 1/4, सो रेट बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ये स्टेप थर्ड हो गई इसके, स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड, स्टेप सेकंड, ये सब लिख लें। अब एट्थ नंबर का पॉइंट, आप मुझे बताएं कि यहां पर ये रिएक्शन पूरी हो रही है, बैक में जाने की कोशिश कर रहा है, तो बैक में तभी जा पाएगा, स्टेरिक इंडेंस कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम, तो SN2 इज पॉसिबल ओनली इन केस, ओनली इन केस व्हेन स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, और स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम कम होगा जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, 2 डिग्री, और 3 डिग्री में तो ऑलमोस्ट जीरो, अप्रोक्सीमेट जीरो नहीं हो रहा, सही है। तो 3 डिग्री तो आपको कभी भी SN2 देते हुए दिखाई ही नहीं देंगे, या तो वो SN1 देंगे या कोई और रिएक्शन देंगे, बस SN2 नहीं देंगे। तो ये हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। 9, क्या यहाँ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, नहीं है, तो ये भी लिखना जरूरी है, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटाइन इज नॉट इंटरमीडिएट, नॉट इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट नहीं है, तो इससे क्या होगा, सो दैट नो 1-2 शिफ्टिंग इज प्रेजेंट, सो दैट 1-2 शिफ्टिंग नॉट प्रेजेंट, वो तो तभी होता है जब कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हो, यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स।
नाइन्थ भी हो गया आपके पास। नेक्स्ट टेंथ की बात करते हैं हम। अब हमारे पास यहां पर दो पॉइंट और है, और वो ये है कि हमारा सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट पे पहले बात करते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए आपके पास शुड बी स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहा कि SN1 के अंदर वीक था तो यहाँ स्ट्रॉन्ग, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ मेरा कार्बोकेटाइन बने, और कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग है कि वो पीछे से अटैक करे, उसको भूख है बहुत सारा खाने की, कि कैसे भी करके मैं भले ही एंटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग बना लूं बस वाली चीज़ है। तो वही बना सकता है जिसको बहुत ज़्यादा भूख हो बॉन्ड बनाने की, यानी वो अपने आप में क्या हो, स्ट्रांग हो। तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रांग, सो बिफोर फॉर्मेशंस ऑफ केटायन, कि इससे पहले केटायन बने, समझना, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैच्ड टू सब्सटेंस एंड चांसेस ऑफ कार्बोकेटायन बिकम जीरो, चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बिकम जीरो। भाई अब नहीं रहे उससे, अगर पहले से ही ऐसा कुछ हो गया कि कार्बन हाइपोथेटिकली 5 वैलेंसी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अब कार्बोकेटायन बनने के चांसेस क्या हो गए, फ्री हो गए। तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स में से आ रहे हैं, 10 पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, 11। अटैच टू सब्सटेंस, हाँ अटैच टू सब्सटेंस, तो यहां हमारे पास बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट हम 11 नंबर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल हो गया, हम हमारा सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट हम नहीं चाहते कि सॉल्वोलिसिस हो, सही है, हम नहीं चाहते कि पोलर हो, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, पहले एक सेकंड के लिए सोचो, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कैसे होंगे, जनरली एनायन होंगे, जैसे OH- RO- फिनोक्साइड आयन, ये सब स्ट्रॉन्ग है, NH3 NH2-, SH-, ये सब स्ट्रॉन्ग है। एनायन दिखते ही स्ट्रॉन्ग होता है, और कुछ न्यूट्रल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे अमोनिया, समझ में आ रही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, और लोन पेयर है तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई डाउट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये एनायन है। अगर मैंने सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो मुझे सॉल्वेंट क्या चाहिए, पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। तो सॉल्वेंट का सिलेक्शन आप सॉल्वेंट कैसे देखेंगे, सॉल्वेंट अगर आपको ये बात तो क्लियर है, सॉल्वेंट आपको चाहिए वो चाहिए पोलर, ये बात तो क्लियर है कि आपको पोलर चाहिए। अब पोलर में दो होते हैं, प्रोटिक और दूसरा अप्रोटिक। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली सॉल्वोलिसिस कर देगा टू न्यूक्लियोफाइल, एंड सो दैट न्यूक्लियोफाइल बिकम वीक। ये वीक कैसे बन रहा है मैं आपको नीचे और बताऊंगा इसी के अंदर।
मान लीजिए ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है और मान लीजिए सॉल्वेंट H2 है, तो क्या हो जाएगा? OH क्या करेगा, ये पूरा घेर लेगा, माइनस चार्ज है तो इसका प्लस वाला पार्ट यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके ऊपर प्लस डेल्टा है और प्लस डेल्टा, तो ये प्लस डेल्टा वाला पार्ट इसको पूरा घेर लेगा। तो अब बताइए क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा जितना पहले था? नहीं। ये प्रोसेस कहलाता है सॉल्वोलिसिस। तो ये हमारा जो प्रोटिक सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट को क्या कर देगा, प्रोटिक सॉल्वेंट है ये हमारे लिए क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। किसको? न्यूक्लियोफाइल को। तो हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा कि प्रोटिक पोलर तो हो लेकिन फिर कौन सा हो, अप्रोटिक, वो ले नहीं सकते तो बचाइए। तो अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट नॉट रिड्यूस्ड, नॉट रिड्यूस्ड द पावर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी सीटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो वो न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी की जो पावर है उसको कम होने नहीं देता, ये इसकी खास बात है। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपके पास है तो जब भी आपको यहां देखने को मिलेगा हेल्प, ये मैंने लिखा है सिर्फ हेल्प के लिए कि सॉल्वोलिसिस है क्या, सॉल्वोलिसिस ये। तो मेरे लिए जब भी कोई प्रोसेस होगा जिसमें मेरे को SN2 बताना पड़ेगा तो मैं सॉल्वेंट कौन सा लूंगा, सॉल्वेंट लूंगा मैं, पूरा नाम है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल होता है एसीटोन, CaCCOOCH3 एसीटोन, सही है? तो ये आपके पास हो जाएगा एसीटोन। और एक और ले सकते हैं, मैं यहां पर ले सकता हूं HCOONCH3CH3, समझ में आ रहा है? ये दोनों ही बहुत कॉमन है। तो ये एसीटोन हो गया हमारे पास और ये क्या हो गया हमारे पास, डाइमिथाइल मेथेन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड DMF, सही है? या एच की जगह CH3 कर दोगे तो डाइमिथाइल एथेनामाइड। ये जब भी सॉल्वेंट दिख रहे हैं इसका मतलब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है और आपकी रिएक्शन बहुत अच्छी हो सकती है। कौन सी है? SN2। तो SN2 एसीटोन देखते ही आपको फील आ जानी चाहिए और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप 13 नंबर का पॉइंट लिखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपके पास यहां पर क्या आ रहा है, सब्सटेंस, यहां पर आपके पास न्यूक्लियोफाइल, यहां आपके पास सॉल्वेंट और ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को ये सब्सटेंस जो होना चाहिए वो 1 डिग्री होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तो आप काट ही दो ऑलमोस्ट लिख के, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ही लड़ाई होती है। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक होना चाहिए। सही है? तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं, 13-14 पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत मदद करेंगे SN1 SN2। 12-13-14 नंबर का पॉइंट देखिएगा, आपने अभी ये तो समझ लिया मेरे साथ क्या कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए ना? लेकिन क्या रेशियो पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको रेशियो के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सब्सटेंस और मैं उनका रिलेटिव रेशियो लेता हूं, रिलेटिव रेट रेशियो, रिलेटिव रेट रेशियो। सबसे पहले करते हैं CH3 1, CH3 मतलब लिविंग ग्रुप है यहां पर एल्काइल,
फिर ले लेते हैं CH3 CH2 लिविंग ग्रुप यहां पर है, फिर लेते हैं हम 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हो गया हमारे पास। और अब बात कर रहे हैं हम किसकी, 3 डिग्री की, और एक और हम ले रहे हैं CH3 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 CH2 लिविंग ग्रुप। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोपाइल है, आइसो या नियो, नियो पेंटाइल, बोलो क्लियर है, नियो पेंटाइल। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया हमारे पास, तो हम मान लीजिए यहां पर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो ये 30 गुना फास्ट होगी, कितना 30 टाइम्स। फिर जैसे ही ये हुआ तो 0.002 टाइम्स, इतना मतलब 2 डिग्री आते ही आपके लिए SN2 के चांसेस बहुत खत्म से ही हो गए। तो 3 डिग्री आते आते तो आपके पास क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो ये तो कितना हो गया, 0, लेकिन ये 3 डिग्री नहीं है, ये क्या है, 1 डिग्री है, दिख रहा 1 डिग्री, लेकिन पास वाला कार्बन क्या है, 3 डिग्री है। तो उसका स्टेरिक क्राउड भी इतना रहेगा कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट 0 ही है। यानी अगर कोई लिविंग ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके पास वाला 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो भी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी। आ रही है बात समझ में? हाँ, उसके पास वाला हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं जस्ट नियर कार्बन ही 3 डिग्री हो गया तो उसका इफेक्ट भी दिखेगा। तो ये भी हमारे लिए SN1 मतलब SN2 नहीं देगी, ये भी हमारे लिए क्या देगी, देगी तो SN1, SN2 तो दे ही नहीं सकती। तो ये दोनों तो आपको क्या देखने को मिलेगा, SN1 ही देगी, और 2 डिग्री भी प्रायोरिटी हमारी वो SN1 की रहेगी। हमारे लिए SN2 सिर्फ 1 डिग्री ही मान के चलो, मेजर जो रहेगा कंपोनेंट। तो आपको समझ में आ गया ये पॉइंट। अब न्यूक्लियोफाइल का क्या ऑर्डर रहेगा, यानी हमारे कौन से नंबर का पॉइंट था, ये 14 नंबर का। तो आपको काफी हद तक समझ में आ गया कि अगर आपको SN2 करानी है तो आपको एल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है, 1 डिग्री ही लेना है। अब बात आता है लिविंग ग्रुप का नेचर। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप भले ही SN1 हो या SN2 हो, दोनों में ही लिविंग ग्रुप अच्छा चाहिए। तो लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप शुड बी बेस्ट, जितना अच्छा होगा या उतने अच्छा है, यानी कि रेट जो है वो प्रोपोर्शनल होगी किसके लिए, नेचर ऑफ लिविंग, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। और आप अच्छे से जानते IBr-Cl-F-, ये अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। F- आते आते तो इतना बेकार लिविंग ग्रुप होता है ना, तो वो SN1 देने की इच्छा रहती है उसकी, ना वो SN2 दे रहा, भूल जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटा सा है। अब बात करते हैं 16 नंबर का, एक और पॉइंट था हमारे पास, एनर्जी डायग्राम, एनर्जी डायग्राम। तो ये एनर्जी डायग्राम आपके लिए किस तरह से वर्क कर रहा है, पहले समझ लीजिए। आपका ये सब्सटेंस है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन हो रही है आपके पास, तो ये तो आपके पास सब्सटेंस, ये इंटरमीडिएट नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, ट्रांजिशन स्टेट। क्या इसमें इंटरमीडिएट बनता है, नहीं, इसमें सीधा ट्रांजिशन स्टेट और फिर फाइनल प्रोडक्ट। ये एनर्जी डायग्राम है, ये एनर्जी इस तरफ ले रखा है और यहां आपके पास क्या ले रखा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये छोटा सा SN2 के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हम कैसे सोचें कब SN1 कब SN2, क्या मेजर रहेगा,
तो उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो ये मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए आपके लिए एनर्जी टर्म के लिए, और आप मानते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो पता है कैसी होगी? वो कुछ इस तरह से होगी, कार्बन है एक तरफ, न्यूक्लियोफाइल होगा और एक तरफ क्या होगा, डॉटेड ही, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और एक तरफ क्या रहेगा, लीविंग ग्रुप, दोनों अटैच्ड हैं, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। तो आप बहुत आसानी से ये टेबल बना सकते हैं, 16 पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, लिखे हैं इसको SN2। तो कैसे आप SN1 SN2 को देखोगे? देखिए ध्यान से, ये आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, और यहां पर लिविंग ग्रुप है आयोडीन। दूसरी तरफ यहां एक कार्बन है जहां CH3, CD3 और CT3 है, पक्का, और यहां लिविंग ग्रुप है आयोडीन, पक्का, समझ? तो यहां पर ये आपके पास SN1 देगा, क्या देगा, SN1, और यहां पर वाटर या अल्कोहल कुछ इस तरह का होगा, OH आएगा, आयोडीन निकलेगा, तो ये प्लस होगा और क्या माइनस होगा, आयोडीन। और हमारे पास एक तरह से देखा जाए आयोडीन किस फॉर्म में माइनस होगा, HI की फॉर्म में, H और I, तो हमारे पास होगा CH3, यहां लिखना पड़ेगा CD3, CH3 और CT3, और यहां पर लिखना पड़ेगा OH, और इसका मिरर भी बनेगा। मिरर आपको किस तरह से देखने को मिलेगा, OH C CH3 CT3 और यहाँ CD3, यानी आपको रिटेंशन इन्वर्जन दोनों होने को देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ यहां अगर हम बात करें तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस होगा OH माइनस और यहाँ सॉल्वेंट होगा एसीटोन, तो ये एसीटोन है और ये देगा रिएक्शन SN2, और वो कौन सी दे रहा है, SN1। तो यहां पर SN1, यहां SN2 मेजर रहेगा आपका, और आयोडीन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा OH आयोडीन के, तो OH इस तरफ आएगा, H T और यहां पर D। तो ये हमारे पास बेसिक सब फॉर्मेट रहा कि हम कब SN1 SN2 देखते हैं। नेक्स्ट, अगर 2 डिग्री है, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री, 2 डिग्री को हम कैसे देखते हैं, जैसे ये हमारे पास 2 डिग्री है और यहां हमारे पास आयोडीन है, यहां हमारे पास क्या है, आयोडीन। तो एग्जामिनर खुद आपको हिंट देगा कि वो क्या करना चाह रहा है, वो SN1 करना चाह रहा है या SN2। हिंट कैसे देगा वो, उसकी हिंट देने की आदत होगी, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल और सॉल्वेंट से आइडिया देगा, सही है। जैसे अगर वो OH माइनस और एसीटोन दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, SN2। तो यहां हमारे पास क्या चीज हो रही है, वो चीज देखना पड़ेगा आपको कि देना क्या चाह रहा है, SN1 SN2, यहां पर क्या देगा रिएक्शन, SN2। तो यहां लिख लीजिए SN2 रिएक्शन होगी देखने को, और ऐसे यहां क्या होगी, H2O, और उसके साथ सिर्फ H2 ही चाहिए, तो SN1। तो यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा चेंजेज हो जाएगा क्योंकि SN2 है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, और यहां OH। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर इन्वर्जन, जबकि यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से बोले, यहां पर दोनों ही, तो यहां आपको दोनों ही, तो यहां आयोडीन की जगह OH इस तरफ भी आएगा और इस तरफ भी रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में भी रहेगा। तो ये आपके पास बहुत इजी वे है SN1 SN2 बताने के लिए कि कब आपको क्या सोचना है, आ रही है बात समझ में? तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, 1 डिग्री और 3 डिग्री के लिए तो डिफाइन है। हाँ, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि यहां पर OH माइनस ले लिया जाए और एसीटोन ले लिया जाए तो रिएक्शन क्या होगी, तो देखो रिएक्शन स्लो हो जाएगी या होगी तो सिर्फ SN1 ही होगी, वही चीज यहां पर भी है। यहां अगर आपने वाटर ले लिया केवल, तो वाटर के अंदर यहां पर कोई आपको बहुत ऐसा नहीं है कि SN1 देखने को मिल जाएगा, नहीं मिलेगी SN2 ही, लेकिन बहुत स्लो, तो ये फिक्स है।
ये इसके लिए आइडियल कंडीशन है, ये इसके लिए आइडियल कंडीशन है। तो यहां हमारे पास 2 डिग्री के लिए सोचना पड़ेगा।